ये लग जाएगा पुलअप्स के लिए। ओके, वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो के लिए मेरे चैनल पर। ये व्लॉग थोड़ा सा अलग है, ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख ही लिया है तो आपको तो पता ही चल गया है। एक्चुअली मैं इतना कुछ फिटनेस में हूँ नहीं, बट मैंने देखा था कि लास्ट ईयर जब मैं ट्रेकिंग का सीज़न मेरा जो सीज़न ट्रेकिंग का चालू होता है बारिश के बाद, तो जब मैंने चालू किया था, बट लास्ट जब मैंने 2-3 ट्रेक्स किया था तो मुझे काफ़ी फिटनेस में काफ़ी कम लगा था मुझे। तो इस बार जब मैं न्यू सीज़न चालू करूँगा ट्रेकिंग का, तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि इस बार भी काफ़ी एक्सट्रीम ट्रेक्स होने वाले एंड काफ़ी न्यू एंड न्यू कंटेंट मिलेगा आपको। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए मैंने एक जो आपने थंबनेल में देखा, एक थोड़ा नॉर्मल फिटनेस के लिए पुलअप्स एंड डिप्स के लिए घर पर ही जो कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के लिए टाइम होता नहीं है जिम जाने वगैरह के लिए, तो उसके लिए सोचा है कि घर पर ही कुछ ना कुछ करेंगे फिटनेस के लिए। तो अभी मैं आपको बॉक्स को अनबॉक्स करके बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या मिला है, एंड उसके बाद फिटिंग करके फिर उसके बाद में यहीं पे पीछे ही दीवार पर लगा दूंगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये बॉक्स है जो मुझे मिला है अमेज़ॉन के थ्रू, प्रॉपरली फिटिंग वगैरह मीन्स प्रॉपरली अच्छा पैक किया है। तो अफरस बीच में अनबॉक्स कर दे इसको जल्द से जल्द, तो जल्द से जल्द इसको अनबॉक्स करता हूँ और फिर बताता हूँ आपको क्या क्या लगेगा और आपको कितना ड्रिल मारना पड़ेगा, क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह सब। तो अनबॉक्सिंग के बाद ये कुछ सामान मिला है, ऑब्वियसली ये दो मेन सपोर्ट से एंड ये लगेगा बीच में एंड ये रहेगा बीच का सपोर्ट। इसका थोड़ा सा पेंट में प्रॉब्लम है पर ठीक है, चला लेंगे उसको, इतना कुछ इशू नहीं। एंड उसके बाद ये फास्टनर्स है, कितने दिए उन्होंने, 8 फास्टनर्स है एंड ये लग जाएगा आपकी दीवार पर वॉल माउंट, और इसके ऊपर ये मीन्स लगाना होता है। ओके ठीक है, अभी मैं इसको क्वालिटी, ठीक है क्वालिटी वगैरह तो बाद में ही पता चलेगा। देखिए क्वालिटी पेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पाउडर कोटिंग वगैरह बराबर नहीं हुआ है। ठीक है अभी मैं इसको असेंबल करता हूँ, असेंबल करके फिर आपको बताता हूँ आगे का। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए पीछे। एक्चुअली पेंट, अगर पेंट छोड़े तो बाकी सारा उसमें कुछ इशू है नहीं अभी फ़िलहाल, मैंने चेक किया। तो ये लग गया, अभी आप देखिए, तो ये सामने है आपके, अफरा जी ज़रा, तो ये आपके सामने देखिए। ओके तो ये कुछ ऐसा फिटिंग होता है, इतना कुछ हार्ड है नहीं फिटिंग में, कुछ इतना कुछ हार्ड है नहीं एक्चुअली। अब कंसर्न मेरा ये है कि ये जो घूम गया, मुझे तो लगता है कि ये रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा बाद में, अभी तो फिलहाल अभी मैंने टेस्टिंग किया नहीं इसका, टेस्टिंग होने के बाद देखूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये किधर लगेगा, उससे पहले मैं सारे नट्स एंड बोल्ट्स टाइट करके लेता हूँ ताकि लगाते हो गिरे या ना कुछ नहीं। तो ड्रिल मशीन में लगेगा मुझे, वो भी लाना पड़ेगा क्योंकि ये फास्टनर्स जाएंगे दीवार के अंदर एंड उसके बाद ये पीछे से लगता है। ठीक है चलते हैं। तो ये कुछ ऐसा लगेगा दीवार पर। ओके यहाँ पर रहेगा ऐसा कुछ दीवार पर रहेगा ये, फिलहाल मैंने ये फिटिंग नहीं किया है तो लगभग ये इतना लग जाएगा। उसके बाद में दूसरा सेटिंग पे ये कुछ ऐसा बैठता है। ओके डिप्स बार के लिए तो ये कुछ ऐसा बैठेगा, तो 10 किलो तक तो रहेगा ये। ओके तो हड्डी मीन्स 10 किलो तक रहेगा, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू मीन्स निकाल भी सकते और अंदर रख भी सकते। थोड़ा सा पेंट का इश्यूज है इसके ऊपर, तो मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा। तो हुक जो मैंने लगा दिया है अभी फिलहाल, तो ये जो ऊपर के जो है वो लगेगी पुलअप्स के लिए और ये डबल बार के लिए, मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है, काफ़ी नज़दीक रखा है, आपको बताता हूँ मैं क्यों रखा है। तो अभी पुलअप्स का सेटिंग बताता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये लग जाएगा पुलअप्स के लिए। ओके मुझे ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम मिला, इसके लिए मुझे ऐसा रखना पड़ा। तो अभी पुलअप्स दिखाता हूँ मैं आपको, ये सेटिंग जो है पुलअप्स का है, ये सेटिंग जो है पुलअप्स का है, तो इसमें आप ये देखिए ऐसा पुलअप्स। उसके बाद और एक सेटिंग है इसके ऊपर, ये देखिए ये हो गए दो सेटिंग्स के। तो ये है दो सेटिंग्स के लिए पुलअप्स के लिए। तो ये जो यहाँ पर अगर आप पकड़ते हो, ये भी पुलअप्स है, मीन्स पुलअप्स के लिए दो सेटिंग दिए। अब मैं आपको दूसरा सेटिंग दिखाता हूँ उसका के लिए, आपको
इसको ऐसा घुमाना पड़ता है एंड ऐसा लगाना पड़ता है। तो ये हो गया दूसरा सेटिंग। अब दूसरे सेटिंग में जो है ये आता है आपका एब्स वर्कआउट के लिए। ओके, अब दूसरा मेन जिसके लिए मैंने लिया था ये, वो आता है डबल बार। ओके, तो ये अपर बॉडी के लिए काफी सही है एंड मैंने मेरे हाइट के हिसाब से रखा है, तो आप आपके हाइट के हिसाब से रख सकते हो। तो ये था मेरा, मींस काफ़ी सही है ये एंड लोअर बॉडीज़ के लिए, तो अपर बॉडी के लिए काफ़ी सही है। इसके अंदर पुल अप्स हो जाता है एंड चिन अप्स हो जाता है, उसके बाद डिप्स हो जाता है जो कि हम डबल बार भी बोलते हैं एंड बाकी के एक्सरसाइज तो आप साइड में भी कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली काफ़ी सिंपल है, तो घर बैठे आप पुल अप्स एंड डिप्स कर सकते हो एंड इतना कुछ कॉस्टली भी नहीं है। लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ एंड इजी इंस्टॉलेशन है, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं एंड इजीली आप कुछ एक्सरसाइज घर पर ही कर सकते हो जैसे कि डिप्स, पुल अप्स एंड उसमें मल्टीपल ऑप्शन, बट आपको मैंने थोड़े ही दिखाए, तो आप जाके अमेजोन पर उसका पूरा वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। Rage on that beat, going crazy. वीडियो को मिनिमाइज़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन दबाकर, उसके बाद मेरे चैनल पर जाकर बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। उसके बाद मेरे चैनल पर जाकर बाकी की भी एक्सरसाइज के बारे में डिटेल जानिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।